महाभारत। सदियों पहले लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जिसने एक नए युग की नींव रखी। ये युद्ध न केवल पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध भी था। कहा गया है, जब अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं। और द्वापर युग में भी भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और अधर्मियों का नाश करने के लिए जन्म लिया और महाभारत जैसे भयंकर युद्ध के सूत्रधार बने। और उनकी सहायता के लिए अन्य देवी देवताओं ने भी धरती पर अवतार लिए, जैसे धर्म के पुत्र युधिष्ठिर, भीम जो वायुदेव के पुत्र थे, इसी तरह अर्जुन जो देवराज इंद्र के पुत्र थे, सूर्य पुत्र कर्ण, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। इसी बीच एक ऐसा नाम भी आता है जिसकी वीरता और शौर्य को कोई भुला नहीं सकता, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, जिसने अकेले चक्रव्यूह में घुसकर कौरवों से लोहा लिया था। अपने रक्त की अंतिम बूंद निकलने तक वो पूरी शूर वीरता के साथ लड़ता रहा। जब कौरवों ने धोखे से उसे अस्त्र विहीन कर दिया तो रथ का पहिया लेकर भी वो युद्ध करता रहा, पर अंत में सारे कौरवों ने घेर कर उस निहत्थे योद्धा से उसके प्राणों को अलग कर दिया। यदि देखा जाए तो इस घटना का जो कारण था वो ये था कि गुरु द्रोणाचार्य ने छल से श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां से दूर भेज दिया था जहां कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, क्योंकि वो जानते थे कि केवल इन दोनों को ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान है और उनकी अनुपस्थिति में वो पांडवों की संपूर्ण सेना को चक्रव्यूह में घेर कर समाप्त कर देना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अभिमन्यु ने अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था और अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। लेकिन उसे चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में चक्रव्यूह भेदने की तकनीक सीख रहा था तो बीच में ही सुभद्रा को नींद आ गई, जिस कारण वो चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। पर इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि श्री कृष्ण तो स्वयं ईश्वर के अवतार थे, उन्हें तो सब कुछ पता था, वो तो लीलाधारी थे। अगर वो चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस सवाल का जवाब ये है कि किसी भी व्यक्ति की नियति में स्वयं ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते, और इस तरह अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त होना उसकी नियति थी, क्योंकि उसका अवतार इसी शर्त पर हुआ था। कहानी ये है कि जब धर्म की रक्षा के लिए श्री विष्णु धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे तो उनकी सहायता के लिए अन्य देवताओं को भी धरती पर या तो अपने अंश या फिर अपने पुत्र को अवतार दिलाने का ब्रह्मा जी द्वारा आदेश मिला था। सभी देवता इसके लिए तैयार हो गए, पर जब चंद्रदेव को पता चला कि उनके पुत्र वर्चा को भी धरती पर अवतार लेने का आदेश मिला है तो उन्होंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। फिर सभी देवताओं द्वारा बहुत आग्रह किए जाने के बाद और उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाने के बाद चंद्रदेव मान गए, पर उन्होंने देवताओं के सामने शर्त रखी कि मेरा पुत्र धरती पर ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा और वो अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जो कि महाभारत के युद्ध में नर नारायण की अनुपस्थिति में अकेले ही अपना रण कौशल दिखाते हुए दिन भर युद्ध करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसकी वीरता का गुणगान हो और सूर्यास्त तक वीर गति प्राप्त करके मेरे पास लौट आएगा। देवताओं ने उनकी सारी शर्तें मान ली और यही हुआ भी। दिन भर अकेले अपना पराक्रम दिखाने के बाद सूर्यास्त तक वो वीर गति को प्राप्त हो गया और वीरता की अमिट छाप छोड़ गया। कहते हैं हर घटना के पीछे एक कारण होता है, पर उस कारण के पीछे भी एक कारण होता है जो उसकी नियति होती है। आप देख रहे हैं ज्ञानोहोलिक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।